हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवेयन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी, और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम देखने वाले हैं राइट्स ऑफ अनपेड सेलर का टॉपिक। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो हमारे प्यारे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का ये लास्ट चैप्टर, लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम क्या एक बार फट से बोल दो, राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर, तो भैया अनपेड सेलर कौन होता है, उसके क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या क्या वो सारे काम कर सकता है, ये सारी चीजें अपन इस चैप्टर में देखने वाले। तो सबसे पहले अपन आते हैं चैप्टर के नाम पे। सबसे पहला है वर्ड हमारे पास जो कि है राइट्स। क्या है पहला वर्ड है? राइट्स। राइट्स मतलब यहाँ पे क्या हो गया? अधिकार। राइट्स क्या हो गया? अधिकार। दूसरा वर्ड क्या है? ऑफ एन अनपेड सेलर। ऑफ एन अनपेड सेलर यानी ऐसा सेलर। सेलर कौन होता है हम सभी को पता है, कोई भी ऐसा पर्सन जो गुड्स या सर्विसेज दे रहा है, सामान बेचने वाले को हम क्या बोलते हैं? सेलर। अब ये कैसा सेलर है? नॉर्मल सेलर नहीं है, ये कैसा सेलर है? अनपेड सेलर है, मतलब इसने कोई सामान बेचा और सामने से उसको पैसे नहीं मिले हैं। एक पर्टिकुलर सेलर ने कोई सामान बेचा, ये रहा हमारे पास एक सेलर, ठीक है। इसने गुड्स बेचे, फॉर एग्जांपल मान लो 10,000 रुपए के इसने गुड्स जो है वो बेचे, 10,000 रुपए के गुड्स बेचे, यहाँ पे 10K, ठीक है। इसने 10,000 रुपए के गुड्स बेचे किसी पर्सन को और इसको उस गुड्स का पैसा अभी तक नहीं मिला है, तो ये सेलर जो हो गया ये कौन हो गया? ही इज नोन एज अनपेड सेलर। ही इज नोन एज अनपेड सेलर। क्लियर बात है? मतलब क्या अनपेड सेलर? कोई भी ऐसा पर्सन जिसने कोई गुड्स या सर्विसेज सेल की हो, जिसके रिटर्न में उसको कंसिडरेशन या पैसा उसको अभी तक नहीं मिला, ही इज नोन एज अनपेड सेलर। अब एक अनपेड सेलर के क्या क्या सारे अधिकार हो सकते हैं, वो क्या क्या सारी काम कर सकता है, क्या एक्शन ले सकता है अपने कस्टमर के अगेंस्ट या अपने बायर के अगेंस्ट, यही चीजें हम समझने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर। क्लियर हो गई बात सर? तो आ जाओ देखते हैं भैया थोड़ा सा और डिटेल में, हु इज एन अनपेड सेलर। तो अभी तक अपन समझ गए कि ऐसा पर्सन जिसको अपने गुड्स का पैसा नहीं मिला है वो कौन है? अनपेड सेलर है। क्या इसमें और भी सारी चीजें? हां जी सर, और भी एक दो छोटे मोटे पॉइंट है, पढ़ते हैं और अच्छे से समझ, पढ़ो मेरे साथ। द सेलर हु हैज नॉट रिसीव्ड द होल ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड एन अनपेड सेलर। क्या बोल रहा है? एक ऐसा सेलर जिसको अपने गुड्स का पूरा प्राइस अभी तक नहीं मिला है, फिर से बोलो, पूरा प्राइस अभी तक नहीं मिला है, वो कौन हो गया? अनपेड सेलर। सर क्या ऐसा हो सकता है कि उसको आधा प्राइस मिल गया और आधा प्राइस नहीं मिला? फॉर एग्जांपल हमारे इस केस में 10,000 रुपए के गुड्स जिसने बेचे हैं, इसको मान लो सामने वाली पार्टी ने 5,000 रुपए दे दिए, 5,000 अभी भी पेंडिंग है, तो क्या इस केस में ये अभी भी अनपेड सेलर कहलाएगा? जी सर बिल्कुल कहलाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? नॉट रिसीव्ड द होल ऑफ द प्राइस। पूरा प्राइस कितना है? फुल प्राइस कितना है भाई? 10,000 है। क्या इसको 10,000 पूरा मिल गया? आंसर इज नो। कितना मिला है? 5,000। 5,000 अभी भी पेंडिंग है, तो ये क्या हो गया? अनपेड सेलर हो गया। चलो एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको मान लो 9,000 रुपए मिल गए, 1,000 रुपए अभी भी नहीं मिला है, क्या ये स्टिल एक अनपेड सेलर है? आंसर इज यस, ये पर्सन अभी भी अनपेड सेलर है। चलो थोड़ा सा और एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। 10,000 का हमने सामान बेचा और हमको रिटर्न में 9,999 रुपीज मिला है, मतलब 1 रुपए अभी तक हमको नहीं मिला है, क्या ये पर्सन स्टिल एक अनपेड सेलर है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, क्या आप इस सिचुएशन में इसको अनपेड सेलर बोलो? सिर्फ 1 रुपए नहीं मिला है, 10,000 का इसने सामान भेजा, सारा पूरा बैलेंस मिल गया, बस 1 रुपए अभी भी बचता है, क्या इसको हम अनपेड सेलर बोलेंगे? आंसर इज टेक्निकली हम क्या बोलेंगे इसको? अनपेड सेलर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि लॉ की लैंग्वेज क्या है कि भैया होल प्राइस हमको जब तक नहीं मिलेगा हम उसको एक प्रॉपर पेड सेलर नहीं मानेंगे, वो अनपेड सेलर रहेगा। क्लियर बात है? सर छोटा मोटा अमाउंट तो दुकान वाले डिस्काउंट दे देते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं वो अलग बात है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये सेलर बोले कि चलो भैया 9,999 तुमने मेरे को पे किया है, मैं इसी को अपना फुल सेटलमेंट मान के खत्म कर देता हूँ, उस केस में ये सेलर अनपेड से पेड सेलर बन जाएगा। अगर दुकान वाला आपको डिस्काउंट दे देता है, प्राइस रिड्यूस हो जाता है, तब वो क्या हो जाएगा? पेड सेलर बन जाएगा, अगर आप उतना कोटेड प्राइस पे कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल 10,000 का सामान है, दुकान वाला बोलते हैं कि यार एक काम करो, आप मुझे 8,000 क्या है पैसा दे दो और मैं मान लूंगा कि भैया अपना सेटलमेंट हो गया, फुल सेटलमेंट में 8,000 आप दे दो। क्लास 11 में अपन जर्नल एंट्री पढ़ते थे ना कि हमने इतने गुड्स बेचे राम को, इतना हमको वापस मिला इन फुल सेटलमेंट, तो यानी क्या हो गया? हमारा पूरा हिसाब अब क्लोज हो चुका है, हम अब आगे उसको 2,000 रुपए नहीं मांगेंगे, हम ये समझ लेंगे पूरा हिसाब डन है और अब हम एक प्रॉपर पेड सेलर हो गए, आगे कोई भी अपन एक्शन नहीं लेंगे। बट हाँ, अगर हमारा 1 रुपए भी बचता है तो टेक्निकली हम क्या है? अनपेड सेलर है और हम अपने बायर के अगेंस्ट में कुछ एक्शन ले सकते हैं, हमारे पास भी कुछ राइट्स हैं, हम कुछ एक्शन ले सकते हैं। वो क्या एक्शन लेंगे, क्या हमारे पास राइट है, मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला, बस और थोड़ा सा अपना अनपेड सेलर को टच कर लेते हैं। आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45। कौन सा सेक्शन? सेक्शन नंबर 45। सर सेक्शन नंबर याद रखना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है, क्वेश्चन बन के आ सकता है, याद रख लो जितना मैक्सिमम हो सकता है उतनी अच्छी बात है। एनीवेज आपको इंटर तक तो ये हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी और फाइनल में तो इट्स मैंडेटरी कि लॉ के पेपर में आपको सेक्शन कोट करना है, तो जब स्टार्टिंग फेज से ही अगर आप हैबिट बिल्डअप करोगे उतना अच्छा आपके लिए हो जाएगा। तो सेक्शन 45 के अकॉर्डिंग द सेलर ऑफ गुड्स इज डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर। इन सारी सिचुएशन में एक सेलर ऑफ गुड्स को मान लेंगे कि वो एक अनपेड सेलर है। कौन कौन सी सिचुएशन? पहला, व्हेन द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड। जब आपको पूरा ही प्राइस नहीं मिला, 10,000 का सामान बेचा आपने, आपको अभी तक मिला है 0, तो क्या हो? अनपेड सेलर हो। व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैज बीन रिसीव्ड एज कंडीशनल पेमेंट एंड द सेम हैज बीन डिसऑनर्ड।
आपको प्राइस के बदले में, मतलब आपने गुड्स बेचा उसके रिटर्न में आपको अभी कैश नहीं मिल रहा है, आपको एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिल गया, फॉर एग्जांपल चेक। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, कैसे वर्क करते, पूरा इन डिटेल आपके करिकुलम में चैप्टर है, वो मैंने कवर कर लिया, प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा। तो अगर आपने नहीं चेकआउट किया है तो आप पढ़ सकते हो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने 10,000 का सामान बेचा, हमको सामने वाले ने कैश नहीं दिया, बोला मैं आपको चेक दूंगा, ठीक है भैया, हमने चेक ले लिया। चेक जब हमने बैंक में जमा कराया, चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, चेक हो गया डिसऑनर्ड, लॉ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, चेक हो गया डिसऑनर्ड। तो क्या हम तब भी अनपेड सेलर है, बिल्कुल है, हमको जब तक पैसा नहीं मिलेगा हम अनपेड सेलर है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के केस में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में, अगर बिल जो है डिसऑनर्ड हो जाता है, चेक बाउंस हो जाता है, कोई भी रीजन हो जाता है, हमको पैसा नहीं मिलता, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से 10,000 रुपए आपको पेटीएम किया बट अभी तक आपको नहीं मिला है, मान लो कोई टेक्निकल एरर हो गया, आप तक पैसा नहीं पहुंचा, क्या आप एक अनपेड सेलर हो, बिल्कुल अनपेड सेलर हो, क्लियर बात है। हां जी सर, नेक्स्ट इज अ सेलर हु हैज बीन पार्टली पेड इज ऑल्सो एन अनपेड सेलर। जैसा कि अपन ने पहले और भी प्रीवियस एग्जाम्पल अपन ने डिस्कस किया कि 10 में से 5 मिल गया तो भी मैं अनपेड सेलर हूँ, 9 मिल गया तो भी मैं अनपेड सेलर हूँ, 9,999 भी मिल गया तो भी मैं क्या हूँ, एक अनपेड सेलर हूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पूरा 10,000 रुपए का अमाउंट मिले तो 1 रुपए भी मेरा बचता है, मैं डिस्काउंट देने को रेडी नहीं हूँ, तो टेक्निकली मैं क्या हूँ, एक अनपेड सेलर हूँ। बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में ठीक है, 1-2 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते, ट्रांजेक्शन का साइज अगर बड़ा होता है तो इतना हमको जनरली जो कैश डिस्काउंट जिसको बोलते हैं वो मिल जाता है, बट अगर हम रेडी नहीं है डिस्काउंट देने के लिए तो अपन क्या है, अनपेड सेलर, क्लियर बात है। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। भैया अब हमने सामान बेचा, अब हमको पैसा जो है उसका नहीं मिला है, अब हम सामने वाले के ऊपर क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, यहाँ पे आप लोग के लिए मैंने बहुत एक बढ़िया जो है इमेज डाल के रखी, वीडियो पॉज करके जूम करके देख सकते हो अगर वो प्रॉपरली विजिबल ना हो रहा होगा अनपेड सेलर का, और अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। नीचे आते हैं अपन, राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। तो अनपेड सेलर के पास 2 टाइप्स के राइट हैं। पहला है जिसको हम बोलते हैं राइट अगेंस्ट गुड्स, दूसरा है राइट अगेंस्ट बायर, यानी गुड्स के अगेंस्ट हमारी क्या राइट है, जो हम सामान बेच रहे हैं उसके अगेंस्ट हमारी क्या राइट है, और दूसरा बायर के ऊपर हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, बायर के लिए हमारे पास क्या क्या राइट्स है। 2 राइट्स है, कितनी राइट्स है, 2, एक है सामान के लिए, दूसरा है बायर के ऊपर। पहला क्या, सामान के लिए राइट अगेंस्ट द गुड्स, दूसरा है राइट अगेंस्ट द बायर, क्लियर हो गई सर। अब एक एक करके अपन देखेंगे, पहले अपन आते हैं राइट अगेंस्ट द गुड्स। अब गुड्स के अगेंस्ट में हमारे पास क्या क्या राइट्स है, an unpaid seller has some right against the goods sold when the property in the goods has passed to the buyer, these are as follows। जब property in the goods pass हो गई है तब हमारे पास क्या क्या यहाँ पे rights है, तो पहला है right of lien, क्या है right of lien, लाइन नहीं है lien है, LIEN, right of lien। दूसरा है right of stoppage of goods in transit, right of stoppage of goods in transit। थर्ड इज right of resale, थर्ड इज right of resale, और चौथा है right of withholding delivery, या इसको हम quasi, क्लियर हो गई बात। हां जी सर, तो हमारे पास मैक्सिमम कितनी राइट है, मेन तौर से 2 मेन राइट है, गुड्स के अगेंस्ट, एक बायर के अगेंस्ट। गुड्स के अगेंस्ट हमारे पास कितनी राइट है, 4, पहला क्या लीन, दूसरा स्टॉपेज इन ट्रांजिट, तीसरा क्या है अपना रीसेल का, और चौथा क्या है विथ होल्डिंग डिलीवरी। 4 हमारे पास क्या है राइट हो गए। अब इसमें से लीन आपको थोड़ा अभी नहीं समझ में आया होगा, आपके लिए न्यू है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट आप नाम से इसका काम समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, रीसेल भी आप अभी तक अच्छे तरीके से आइडिया आपको हो गया होगा, विथ होल्डिंग डिलीवरी भी आप समझ गए होंगे, जिसको और क्या बोला जाता है, क्वासी लीन भी बोला जाता है, क्लियर बात है। हां जी सर, अब यहाँ पे छोटा सा डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर क्या है कि आपके सीएमए फाउंडेशन के करिकुलम में जो आपको स्टडी नोट मिला है, जो आपको मॉड्यूल मिली है इंस्टीट्यूट की तरफ से, उसमें राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ रीसेल और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट के बारे में आपको प्रॉपर टेक्स्ट है, मतलब थ्योरी दी हुई है, ओल्ड सिलेबस में भी इसके बारे में आपको कंटेंट है, न्यू सिलेबस में भी कंटेंट है, विथ होल्डिंग डिलीवरी के बारे में एक छोटी सी लाइन भी मुझे देखने को नहीं मिली, अगर बाई चांस अगर आपके मॉड्यूल में है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, अपन उसको देख लेंगे, शॉर्ट वर्ड बना के कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो 3 राइट्स हैं इसके बारे में एक्सप्रेसली आपके मॉड्यूल में बात की गई है, राइट ऑफ विथ होल्डिंग डिलीवरी कोई बहुत ज्यादा खास मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जैसा ही है समझ में आ जाएगा, नाम से ही क्लियर है कि हम भैया डिलीवरी नहीं दे रहे, डिलीवरी को हम होल्ड करके रख रहे हैं गुड्स की, खत्म है यहीं पे, क्लियर बात है। एक एक करके अब अपन राइट को डिस्कस करते हैं, राइट ऑफ लीन सेक्शन कितना, 47, अनपेड सेलर कहाँ दिया है, सेक्शन नंबर 45, राइट ऑफ लीन का है सेक्शन नंबर 47। अब लीन क्या है, तो लीन इज अ राइट टू रिटेन पोजेशन ऑफ गुड्स अंटिल पेमेंट ऑफ प्राइस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47(1), सेक्शन 47 सब सेक्शन 1, एंड अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ द लीन इन द फॉलोइंग। इसको पहले मैं आगे के पॉइंट रीड करूं, आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, बहुत अच्छी तरीके से आपको चीजें समझ में आ जाएगी, क्लियर बात है। मान लो कि भैया आप गए टेलर के पास, आपने उसको कपड़ा दिया, आप बोले कि भैया मेरा मेजरमेंट ले लो, आप मुझे सिल के दे देना, ठीक है। तो आपने भी अपने प्रॉपर मेजरमेंट वगैरह दिए, टेलर ने आपको बताया कि भैया 1 शर्ट का 1,000 रुपये खर्चा आएगा, मैं 1,000 रुपये अपनी सिलाई लूंगा, 4 दिन बाद आप आ जाना आपको मिल जाए, क्लियर बात है। 4 दिन बाद आप शॉप में गए, आपने बोला कि भैया क्या मेरी शर्ट रेडी हो गई है, टेलर भैया ने बोला रेडी होगी, तो आप बोले दे दो, टेलर भैया ने आपको मान लो शर्ट देने से पहले आपने बोला कि भैया पेमेंट कर दो मेरा, अब आप बोले कि मैं पेमेंट तो अभी नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे को शर्ट दे दो, मैं आपको 3-4 दिन में पेमेंट उसका कर दूंगा, क्लियर बात है। ये आपकी अब अभी बात हुई,
स्टार्टिंग में आपने क्या बात की थी कि आप मेरे को शर्ट दोगे, एक हाथ में आपसे शर्ट लूंगा, दूसरे हाथ से मैं आपको पैसा दूंगा, बट पेमेंट के दिन आप क्या बोल रहे हो कि मैं अभी पैसा नहीं दे पाऊंगा पर मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट बर्थडे फंक्शन में जाना है या डेट पे जाना है, तो मुझे वो शर्ट आप दे दो। अब मुझे बताओ क्या आपको दुकान वाला शर्ट देगा, अनलेस बहुत ज्यादा आप उसके रेगुलर कस्टमर हो, ट्रस्टेड हो, एक बार को चलो आप पे भरोसा करके दे देगा, बट क्या किसी को भी दे देगा फर्स्ट टाइम आप दुकान पे गए आपको शर्ट दे देगा? नहीं, वो क्या बोलेगा कि नहीं भैया पहले आप पेमेंट करो, शर्ट मेरे पास है सेफली रखा हुआ हूँ, आप मेरे को पेमेंट कर दो, शर्ट मेरे यहाँ से ले जाना, जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे मैं आपको शर्ट नहीं। कल बात है, क्लियर एग्जाम्पल है सर, किसी को क्या बोलते हैं राइट ऑफ। फॉर एग्जाम्पल आप गए, आपने अपनी कार को जो है शोरूम में आपने दे दिया सर्विसिंग के, कार बढ़िया सर्विसिंग हो गई, आप बोले मैं सर्विसिंग का पैसा अभी नहीं दे सकता, मैं कैश भूल गया घर में, पेटीएम नहीं चलता, दुनिया भर की चीज, क्या आपको शोरूम वाले गाड़ी दे देंगे? कहेंगे कि भैया ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है, वी रिस्पेक्ट दैट, हो जाता है कभी कभार, कार हमारे पास पड़ी रहेगी सेफली सिक्योरली, और आपके पास जब भी पैसा होगा आप पैसा देना, गाड़ी की चाबी हमसे ले जाना। तो क्या यहाँ पे शॉपकीपर कोई गलत चीज कर रहा है, कोई इलीगल काम कर रहा है? जब तक उसको उसकी मेहनत का प्राइस नहीं मिलेगा वो क्या कर सकता है, उसके पास जो गुड्स है उसको वो रख सकता है अपने, उसको वो आपको डिलीवर करने से क्या है मना कर सकता है, ये उसका राइट है। ये राइट हमको कहाँ से मिलता है? सेक्शन 47 सबसेक्शन 1। सेक्शन 47 भी आप रफ तौर में बोल सकते हो कि सेक्शन 47 में राइट ऑफ लीन लिखा है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, जो बात करता है कि लीन इज अ राइट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ गुड्स अंटिल द पेमेंट ऑफ द प्राइस। गुड्स किसके पास है? शॉपकीपर के पास है। किसके कब्जे में है गुड्स? पोजेशन यानी तो मतलब गुड्स किसके कब्जे में है? शॉपकीपर के कब्जे में। तो वो क्या कर सकता है? रिटेन कर सकता है, वो अपने कब्जे में गुड्स को रख सकता है अंटिल उसको पेमेंट नहीं मिल जाता। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47(1) एन अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन इन द फॉलोइंग केसेस। अब वो किस किस केस में फॉलोइंग केसेस है यहाँ पे, जहाँ पे वो राइट ऑफ लीन रख सकता है, यानी आपके गुड्स उसके पास पड़े तो वो कब्जा करके रख सकता है। कब्जा करना क्या ये मतलब है कि जब आप उसको पेमेंट दोगे वो गुड्स आपको दे देगा। ठीक है, तो क्या सिचुएशन है? वेयर गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट, यानी उसने आपको उधारी में माल नहीं सेल किया, बोला कि भैया आप पेमेंट दे देना और गुड्स मैं ले जाऊंगा, उधारी वाला यहाँ कोई चक्कर नहीं, और आप आके बोलते हो कि भैया उधार दे दो, तो नहीं, उस केस में वो क्या कर सकता है? प्रॉपर राइट ऑफ लीन अपना एक्सरसाइज कर सकता है, वो गुड्स आपको देने से बिल्कुल मना कर सकता है। नेक्स्ट इज व्हेन द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट दैट पीरियड ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड। मतलब अब आपने बोला था कि भैया उधारी पे मैं सामान दे दूंगा या मैं आपको पैसा भिजवा दूंगा 2 दिन बाद 3 दिन बाद, उसके बाद मैं आपसे गुड्स ले लूंगा, 3 दिन निकल चुके हैं और आपने अभी तक पैसा नहीं दिया, तो वो गुड्स क्या है अपने पास रख लेगा। क्लियर बात है सर? तो पहला, अगर आपने बात की है कि भैया मैं आपको तुरंत तुरंत अपफ्रंट पैसा दूंगा और गुड्स ले जाऊंगा, आप ऐसा नहीं करते, आप बोलते हो कि भैया क्रेडिट दे दो, उधार दे दो, उसमें मैं ले जाऊंगा, नहीं, मना कर सकता है। अगर क्रेडिट में आपने डील की थी बट उसका टाइम पीरियड जो है वो एक्सपायर हो चुका है तो अपने पास गुड्स को रख सकता है। तीसरा, व्हेन द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया भैया आप पैसा ही नहीं दे सकते, तो क्या करेगा? सामने वाला गुड्स को रख लेगा। जनरली हॉस्टल में क्या होता है, हॉस्टल में कई बार जो क्या होते हैं, जो रुके होते हैं हॉस्टलर्स, वो क्या करते हैं, एक आध महीने का रेंट जो है नहीं देते हैं और भग जाते हैं, एक आध महीने का रेंट वो स्किप कर देते हैं और ऐसी बिना इन्फॉर्म के भग जाते हैं। अब उस केस में क्या होता है, जो हॉस्टल का जो मालिक होता है या पीजी के जो मालिक होते हैं क्या करते हैं, वो आपके जो सामान है, अगर आपने बाई चांस कोई छोड़ के चले गए तो आपके सामान को क्या कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं, सिंपल। अब अगर आपको वो सामान चाहिए तो सिंपल सी बात है, वो आपको बोलेंगे कि भी आपका इतना इतना ड्यू है, आप क्लियर करो, सामान ले जाओ, और ना सामान क्या है मेरे कंट्रोल में रहेगा, मैं आपको रिलीज नहीं करूँगा। तो ये सिंपल हो गया अपना राइट ऑफ लीन, कब कब यूज कर सकते हो? क्रेडिट में अगर सामान देने की बात नहीं हो और आप क्रेडिट की डिमांड कर रहे हो, राइट ऑफ लीन लग जाएगा। क्रेडिट में सामान बेचने खरीदने की बात हुई थी बट पीरियड जो है एक्सपायर हो चुका है, राइट ऑफ लीन यूज कर सकता है। फिर आप इंस्टॉलमेंट हो गए, बिल्कुल भी पैसा नहीं दे सकते, राइट ऑफ लीन लग जाएगा। कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए राइट ऑफ लीन लगाने के लिए? सबसे पहला, ओनरशिप मस्ट हैव पास्ड टू द बायर, ओनरशिप जो है वो बायर को पास हो जानी चाहिए। द गुड्स मस्ट बी इन द पोजेशन ऑफ द सेलर, गुड्स जो है वो सेलर के पास ही होना चाहिए। अगर आपने गुड्स दे दिया तो क्या आप लीन लगा पाओगे? क्या नहीं लगा पाओगे? फॉर एग्जाम्पल टेलर वाले एग्जाम्पल में अपन वापस आते, टेलर ने आप पर भरोसा करके गुड्स दे दिया, अब वो एक हफ्ते बाद फोन कर रहे कि भैया आप तो पैसा देने वाले थे, आप अभी तक पेमेंट बचाए नहीं दिए। तो अगर आप पैसा नहीं भी देने जाओगे टेलर को, बाई चांस आपके दिल में खोट आ जाता है और आप बोलते हो कि भैया पैसा देने की आपकी नीयत ही नहीं है, आपके ऊपर कुछ वो कर पाएगा नहीं, सिर्फ सामान था उसको वो रख सकता था, बट सामान क्या हो गया, वो ऑलरेडी आपको दे चुका, तो राइट ऑफ लीन वो आपके ऊपर नहीं लगा पाएगा। राइट ऑफ लीन नहीं लगा पाएगा, दूसरा एक्शन वो ले सकता है बट राइट ऑफ लीन नहीं लगा पाएगा, वंस उसने सामान अपने कब्जे से हटा के आपको दे दिया है। तो ओनरशिप पास हो जानी चाहिए, पोजेशन सेलर के पास ही होना चाहिए, मतलब जो गुड्स है वो सेलर के पास फिजिकली पड़े हों। तीसरा, द होल और पार्ट ऑफ द प्राइस मस्ट रिमेन अनपेड, आप अनपेड सेलर होने चाहिए, या तो आपको छोटा सा प्राइस नहीं मिला है या पूरा ही प्राइस मिलना आपको बाकी है। क्लियर बात है एकदम? नेक्स्ट है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, सेक्शन नंबर 50। एक बार सेक्शन रिवाइज कर लेते हैं, अनपेड सेलर कौन से सेक्शन पे था? वो था सेक्शन नंबर 45। दूसरा क्या अपन ने देखा? राइट ऑफ लीन, सेक्शन नंबर 47। स्टॉपेज इन ट्रांजिट, सेक्शन नंबर 50। स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या है भैया? आप सामान कर रहे हो डिलीवर, ठीक है, सामान क्या कर रहे हो? डिलीवर कर रहे हो, अब आपको पेमेंट अभी तक नहीं मिला है, सामान आपकी दुकान से निकल चुका है, गाड़ी में है, सेलर
निकाल दिया है सामान अपनी दुकान से, बायर तक पहुंचा नहीं, सामान बीच रस्ते में, सामान कहाँ है, बीच रस्ते में, शॉप से निकल गया बट डिलीवर नहीं हुआ बीच रस्ते में। अब आपको पता चलता है कि भैया जो बायर है आपका वो आपको पैसे नहीं देगा या देने से मना कर रहा है या कोई भी ऐसी चीज है, मतलब आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है। आपकी हो सकता है ऐसी बात हुई होगी, सेलर को इन्फॉर्मेशन मिली होगी या बायर ने बोला होगा कि आप एक काम करो सामान निकाल तो दो अपनी दुकान से, मैं तुरंत करवा दे रहा हूँ पेमेंट। अब आपने ट्रस्ट पे तो सामान अपनी दुकान से निकलवा दिया बट पेमेंट उसका अभी तक आपको नहीं मिला, तो आप क्या कर सकते हो, सामान को बीच रस्ते में ही रुकवा के वापस ला सकते हो, आप कर सकते हो। राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स क्या है ट्रांजिट में है, निकल चुके हैं दुकान से, उसको आप क्या कर दोगे स्टॉप, या अपने सीधा ड्राइवर को फोन लगाओगे कि भैया ये सामान को आप रोक दो, डिलीवर मत करना, पेमेंट नहीं मिला है, आप ऐसा कर सकते हो। कौन सा सेक्शन हमको पावर देता है ये करने का, सेक्शन नंबर 50। तो द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज द राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स व्हाइल दे आर इन ट्रांजिट एंड रिटेनिंग द पोजीशन अंटिल पेमेंट ऑफ द प्राइस, और पोजीशन में आप अपने गुड्स को रख सकते हो जब तक आपको प्राइस नहीं मिला। दिस राइट इज कन्फर्ड ऑन द सेलर बाय सेक्शन 50 ऑफ द एक्ट, द राइट कैन एक्सरसाइज अंडर द फॉलोइंग केसेस। अब इन फॉलोइंग केसेस में आप इस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हो, मतलब आप ये काम कर सकते हो, ये वाली राइट आप इन फॉलोइंग सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो। पहला, अनपेड सेलर है, गुड्स ट्रांजिट में होना चाहिए। सर अगर गुड्स ट्रांजिट में ना हो और हमको पेमेंट नहीं मिला है तो हम क्या करेंगे, राइट ऑफ लीन लगाओगे। भाई अगर आपके पास गुड्स पड़े हुए हैं गोडाउन में, आपने उसको भेजा नहीं है तो राइट ऑफ लीन, गुड्स आपने भेज दिए रस्ते में अभी तक पैसा नहीं मिला तो राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, सिंपल। नेक्स्ट है द बायर मस्ट हैव बिकम इंसॉल्वेंट, बायर आपको पैसे देने से मना कर दिया तो भी आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकते हो। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स मस्ट हैव बीन पास फ्रॉम सेलर टू द बायर, जो प्रॉपर्टी है इन द गुड्स वो आपने सेलर ने बायर को पास कर दी हो, क्लियर बात है। सर नेक्स्ट राइट ऑफ रीसेल सेक्शन नंबर 54, सेक्शन नंबर 54 क्या है, राइट ऑफ रीसेल। स्टॉपेज इन ट्रांजिट कौन सा था भैया, सेक्शन नंबर 50, सेक्शन नंबर 54 क्या है, राइट ऑफ रीसेल, राइट ऑफ रीसेल। समझो अब आप कुछ ऐसा गुड्स बेच रहे हो, फॉर एग्जांपल एप्पल आप सेल कर रहे हो, अब एप्पल आपने सेल करने का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, बायर ने एंड टाइम पे मना कर दिया, तो आप क्या करोगे, अब एप्पल है नहीं बेचोगे, खराब हो जाएगा, बायर बोल दिया कि भैया मैं नहीं लूंगा आपको जो करना है करो, तो आप क्या करोगे, बट ऑब्वियसली बात है भैया अपना लॉस नहीं करोगे, सामान को आगे बेचोगे, तो आपके पास राइट ऑफ रीसेल भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर बायर आपको मना कर देता है कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा या मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो आप क्या करोगे, उसको बोलोगे कि ठीक है भैया फिर मैं इस एप्पल को आगे दूसरे को बेच दे रहा हूँ, क्योंकि एप्पल पड़े पड़े सड़ जाएंगे, मेरा नुकसान हो जाएगा। तो क्या आप ऐसा कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कौन सा सेक्शन आपको पावर देता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन 54 आपको ये पावर। देन अनपेड सेलर हु हैज एक्सरसाइज आइदर द राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन रीसेल सच गुड्स, आपने लीन लगा दिया, स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर लिया, गुड्स आपके पास आ गए, आपके कब्जे में गुड्स है, आप क्या कर सकते हो, उसको रीसेल भी कर सकते हो। The right of resale of the goods is called right of resale. This right is discussed in section 54 of the Act. An unpaid seller can exercise the right of resale in the following cases. In cases में right of resale आप कर सकते हो। पहला, goods आपके perishable nature के होने चाहिए। Goods अगर आपके non-perishable nature के हैं, तो आप resale नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं है, लगा सकते हो, but again आपको permission लेनी पड़ेगी और आप एकदम sure हो कि भैया buyer जो है insolvent हो चुका है, एक भी पैसा आपको नहीं मिलेगा। But perishable है, तो आप उसको बहुत जल्दी easily आप decision ले सकते हो। दूसरा, वेयर द सेलर एक्सप्रेसली रिजर्व द राइट ऑफ रीसेल इन केस बायर मेक्स अ डिफॉल्ट ऑन द पेमेंट ऑफ द प्राइस, जब सेलर स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में ही बोल दे कि अगर आप पेमेंट नहीं करोगे इतने टाइम तक तो मैं गुड्स बिना आपकी परमिशन के बेच दूंगा, तो ये राइट आप स्टार्टिंग में ही रिजर्व कर ले, या पैसा नहीं आएगा तो देख लेना मैं दूसरे को इस चीज को बेच दूंगा, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, व्हेन द सेलर हैज एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड गिव नोटिस टू द बायर ऑफ हिज इंटेंशन टू रीसेल द गुड्स, अब आपने राइट ऑफ लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट आपने लगा दिया है और आप नोटिस दे दियो बायर को कि देख लो अभी भी लास्ट चांस है, नहीं तो मैं रीसेल कर दूंगा, तब भी आप रीसेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर बात है। हम जैसे नेक्स्ट, इसके बाद जो राइट आपके पास है विथ होल्डिंग डिलीवरी कॉन्टेंट, मतलब आपको नहीं है मटेरियल में होगा तो मुझे प्लीज इन्फॉर्म कर देना, बट विथ होल्डिंग डिलीवरी भी क्या है, लीन जैसा ही है कि आपने बस सामान निकल ही रहा है और आपने रोक दिया कि भैया मत करो इसकी डिलीवरी, रहने दो, आप डोर स्टेप तक भी पहुंच गए हो, मान लो आप क्या पहुंच गए, सेलर के डोर स्टेप, बायर के डोर स्टेप तक पहुंच गए और वो उस समय मना कर दे, वो मना कर दे कि भैया मैं पेमेंट दूंगा ही नहीं, मैं पेमेंट दूंगा ही नहीं, तो आप क्या करोगे, डिलीवरी नहीं करोगे। जैसे क्या होता है, कई बार हमारे पास कपड़े वगैरह आ जाते हैं या कुछ गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, और आपने मान लो सामने सामने प्रोडक्ट खोला, आपने आईफोन मंगवाया था, निकला अंदर से क्या साबुन की टिक्किया, बोले मैं इसका पेमेंट नहीं करता, ले जाओ, कैश ऑन डिलीवरी थी, पेमेंट नहीं करता, ले जाओ, तो इस केस में क्या हो गया, आप विथहोल्ड कर सकते हो। तब अब ये तो खैर थोड़ा सा फ्रॉड वाला केस हो गया, आप समझो आपने फोन डिलीवर किया, सामने वाले ने लेने से मना कर दिया, तो आप डिलीवरी ही मत करो, बोल दो भैया अपने जो भी डिलीवरी बॉय है उसको बोल दो सामान उसको डिलीवर मत कर, वापस दुकान में, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट इज राइट ऑफ बायर, राइट अगेंस्ट द बायर। अब यहाँ पे आपको टोटल चार राइट्स मिलती है। अनपेड सेलर इन एडिशन टू हिज राइट्स अगेंस्ट द गुड्स हैज द फॉलोइंग राइट्स अगेंस्ट द बायर पर्सनली। ऊपर वाले तीन राइट चार राइट तो उसके पास है ही, उसके अलावा बायर को वो अगेन क्या कर सकता है, ये सब एक्शन ले सकता है। देखो गुड्स का उसको पैसा नहीं मिला, गुड्स उसने सिक्योर कर लिया, बट अगर वो गुड्स बेचता तो उसको क्या मिलता, पैसे मिलते, उसका प्रॉफिट होता। अब वो प्रॉफिट नहीं हो पाया, उसकी मेहनत क्या हुई, वेस्ट हो गई, उसको पैसा नहीं मिला उस चीज, इन काम तो हमारा पैसे का था ना, गुड्स का हम क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप टेलर के पास गए, अब आपने अपने मेजरमेंट के हिसाब से शर्ट जो है वो सिलवाई,
अब उसको टेलर रख के भी क्या करेगा, उसके लिए तो वो डेड स्टॉक है। अगर सेम साइज वाला उसको पर्सन जब तक नहीं मिलेगा जिसको भैया वो शर्ट अट्रैक्टिव लगे, तब तक वो क्या है उसको इन्वेंट्री स्टोरेज करने का खर्चा ही आएगा, तो दिक्कत वाली बात है उसके लिए। तो गुड्स तो उसने रख लिया बट वो बहुत ज्यादा अभी भी खुश नहीं होगा, उसको क्या चाहिए अपनी मेहनत का प्राइस चाहिए। तो ये सारी राइट अभी अपन जो डिस्कस करने वाले हैं, या बायर के अगेंस्ट आप क्या क्या एक्शन ले सकते हो, बायर के अगेंस्ट हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। पहला है सूट फॉर प्राइस, सेक्शन 55, क्या है सेक्शन 55 सूट फॉर प्राइस। क्या है यहाँ पे, प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज पास टू द बायर, प्रॉपर्टी हमने बायर को पास कर दी, एंड द बायर रॉन्गफुली निगलेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू पे द प्राइस, द सेलर कैन सू द बायर फॉर द प्राइस। हमने बोल दिया कि भैया गुड में प्रॉपर्टी आपकी पास हो गई है, पैसा दे दो, पैसा वो नहीं दे रहा है तो हम क्या करेंगे भैया, उसको सू कर देंगे कि आप ये हमारा पेमेंट क्लियर नहीं कर रहा है, उसको कोर्ट के पास अपन ले जाएंगे, हम प्राइस के लिए सू कर सकते हैं। दूसरा है सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, दैट इज सेक्शन 56। सेक्शन 56 ये बोलता है कि आपको जो भी डैमेजेस हुए हैं, सामने वाले ने आपके गुड्स एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, गुड्स भी क्या है प्रॉपर कंडीशन में होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने कबाड़ भेज दिया और आप बोल रहे हो कि सामने वाला मेरा गुड्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो मुझे डैमेज हो गया, नहीं, आपका गुड्स फर्स्ट कंडीशन में सबसे बढ़िया होना चाहिए, जैसा आपने डिस्क्रिप्शन आपको मिला था उस हिसाब से आपका गुड्स रेडी है। अब बायर ने मना कर दिया कि मैं नहीं लूंगा, तो जो आपको डैमेज हुआ है वो आप क्लेम कर सकते। वेयर द बायर रॉन्गफुली निगलेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर द गुड्स, द सेलर कैन सू हिम फॉर द डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द गुड्स और नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द गुड्स। जो आपको डैमेज हुआ है, जो खर्चा हुआ है या रेप्यूटेशन का लॉस हुआ है, उसके लिए आप क्लेम कर सकते। सूट फॉर रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन यानी जब आप रिजेक्ट कर देते हो, बायर जब रिजेक्ट कर दिया कि मैं लूंगा ही नहीं, आज हमको डिलीवरी देनी थी, एक हफ्ते पहले हमको ऑर्डर मिला था, आज डिलीवरी लेनी थी, डिलीवरी के एक घंटे पहले बायर ने फोन करके मना कर दिया कि भैया मत भिजवा, हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं। तब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल रिजेक्ट हो जाता है, रेप्यूटेट मतलब रिजेक्ट। तो व्हेन द बायर रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी, द सेलर मे वेट टिल द डेट ऑफ डिलीवरी और मे ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज कैंसिल एंड सू फॉर द डैमेजेस फॉर, ठीक है, या तो आप डिलीवरी की डेट तक रुक जाओ, थोड़ा वेट करके देख लो कि क्या पता भैया बाद में चेंज हो जाए माइंड और वो बोल दे कि हाँ डिलीवर कर दो सामान, मैं पेमेंट करवा दे रहा हूँ, तो या तो आप तब तक रुक जाओ, नहीं तो अगर बायर बोल दे एकदम कि भैया मैं पेमेंट करूंगा ही नहीं, डिलीवर मत करना, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, तो आपकी जो उसमें मेहनत लगी है, आपका जो रिसोर्सेज लगा, आपका जो टाइम इन्वेस्ट हुआ है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सामने वाले को सू कर सकते हो, क्लियर बात है। नेक्स्ट इज सूट फॉर इंटरेस्ट, सेक्शन 61 क्या है, सूट फॉर इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भैया मुझे 10 तारीख तक पेमेंट दे देना, अगर 10 तारीख तक पेमेंट नहीं आया, अगर 10 तारीख तक पेमेंट नहीं आया तो तब से मैं मान लो 6% के हिसाब से आपसे इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करूँ, जो भी हमारा अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगा उस पर 6% मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूँ, तो ये काम भी आप कर सकते हो। क्या है यहाँ पे सेक्शन एग्जैक्ट, वेयर द स्पेसिफिक एग्रीमेंट बिटवीन द सेलर एंड बायर रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन द प्राइस ऑफ द गुड्स, द सेलर मे क्लेम इट फ्रॉम द डेट व्हेन पेमेंट बिकम्स ड्यू। सेलर क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है इंटरेस्ट भी जब से उसका पेमेंट ड्यू है। If there is no specific agreement, मान लो आपने स्टार्टिंग में तो नहीं बोला था, ठीक है, आपने बोला था कि 10 तारीख तक पेमेंट दे देना, अब 10 तारीख निकल गया, मान लो एक महीना भी आप रुक गए, कुछ नहीं हो रहा है, तब आप क्या करोगे, स्टार्टिंग में तो आपने इंटरेस्ट की बात नहीं की थी, अगर की थी तो जब से आपका पेमेंट नहीं मिल रहा है 11 तारीख से आप इंटरेस्ट लगाना चालू कर दो, बट आपने ऐसा कोई बात ही नहीं किया। इफ देर इज नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट, द इंटरेस्ट इज पेबल फ्रॉम द डेट नोटिफाइड बाय द सेलर टू द, अगर आपने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, कोई स्पेसिफिक आपने स्टार्टिंग में नहीं बोला है, ठीक है, बट अभी भी आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है, एक महीना हो गया अभी तक आपको पेमेंट नहीं मिला है, तो आप क्या कर सकते हो, बायर को नोटिफाई कर दोगे भैया आप अगर हमको पेमेंट नहीं क्लियर कर रहे हो तो मैं आपके ऊपर भैया आपको इतना इंटरेस्ट के साथ आपको पेमेंट अब करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो मैं आपको सू कर दूंगा, ये चीज भी आप कर सकते हो। एक बहुत ज्यादा टाइम फ्रेम हो जा रहा है, पेमेंट अभी तक आपको नहीं मिल रहा है, तो आप इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका लॉस है, अगर आपको पेमेंट टाइम पे मिल जाता आप बैंक में कर देते, कहीं आप उसको मनी को इन्वेस्ट कर देते, अपने बिजनेस में लगा देते, तो आपको उससे रिटर्न आता ही, अब आपको रिटर्न नहीं आ रहा तो जो रिटर्न है, जो इंटरेस्ट है, उसके लिए भी आप सू कर सकते हो। अगर स्टार्टिंग में ही आपने एग्रीमेंट कर लिया है तो जिस डेट से आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है, जब तक आपको पेमेंट नहीं मिला तब तक कोई दिक्कत नहीं है, अगर 10 तारीख तक आपको पेमेंट नहीं मिलता है 11 तारीख से आप इंटरेस्ट लगा सकते हो, अगर स्टार्टिंग में ऐसी बात हुई है तो। अगर स्टार्टिंग में ऐसी कोई बात नहीं हुई फिर भी आप बायर को नोटिफाई करके बोल सकते हो कि इस डेट तक मेरे को पेमेंट दे देना, वरना 10% 6% इंटरेस्ट आपके ऊपर लगना चालू हो जाएगा, क्लियर बात है, अदरवाइज आई विल सू यू, क्लियर चीज एकदम। ये रहा आपका एक समरी टाइप ऑफ चार्ट, राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर, दो तरीके की चीजें अपन ने पढ़ी, अगेंस्ट गुड्स और अगेंस्ट बायर। गुड्स में जब प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज पास टू द बायर, जब प्रॉपर्टी हम पास कर चुके हैं तो हम लीन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट और राइट ऑफ रीसेल लगा सकते हैं। जब प्रॉपर्टी ही पास नहीं हुई है तो एक विथहोल्डिंग डिलीवरी एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, लीन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट और रीसेल हम तब भी लगा सकते हैं। अगेंस्ट द बायर पर्सनली हमारे पास क्या क्या है, प्राइस के लिए सूट कर सकते हैं, डैमेजेस के लिए कर सकते हैं और इंटरेस्ट के लिए कर सकते हैं, साथ ही साथ अपना ये कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट हुआ है उसके चक्कर में आपकी जो मेहनत टाइम रिसोर्सेज लगे उसके लिए भी आप क्या है सामने वाले को सू कर। यही था हमारा राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर का टॉपिक। ऑन दिस नोट आज के इस लेक्चर को हम कब करेंगे, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से
आई होंगी, प्रॉपरली समझ में आया तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना, वीडियो को लाइक कर देना, लास्ट तक बने रहने के लिए अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।